के इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं अनूप, आज हम बताने वाले हैं कंप्रेसर में रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन कौन सा है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कंप्रेसर चेक करने में। कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी इसका कैप नहीं रहता है, तो कैसे पता करें कि रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है। तो आपको हम बता देते हैं मल्टीमीटर से चेक करके, और एक डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। तो सबसे पहले इसमें से चेक करेंगे मल्टीमीटर से सबको कंटिन्यूटी पर रख के। तो इससे चेक करेंगे हम किसका बीच में कितना आ रहा है। जैसे इसमें 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये दोनों के बीच में 6 आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में हम 6 लिख लेंगे। फिर इस दोनों के बीच में 8 आ रहा है, तो 8 लिख लेंगे। फिर इस दोनों के बीच में 4 आ रहा था, 4 लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इधर और इधर दिख रहा है, मतलब इस दोनों के बीच में। तो जिसमें जिसमें ज़्यादा दिखे वो रनिंग स्टार्टिंग का पॉइंट है, मतलब ये रनिंग और ये स्टार्टिंग कुछ होगा। और इसका इसका बीच में कम दिख रहा, तो जिसका बीच में कम दिख रहा सबसे कम वो वाला आपका कॉमन का पॉइंट हो गया। इस दोनों के बीच में कम आया था, ये दोनों के बीच में ज़्यादा आया था, तो ये वाला दोनों को इससे हम चेक किए थे। तो इधर आ रहा है 8, इधर आ रहा है 4, यानी इससे सबसे कम इधर आ रहा है और इससे इधर भी ज़्यादा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सबसे कम जिधर है वो कॉमन का पॉइंट। अब इसमें से कैसे पता करें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। तो रनिंग क्या होता है, जो सबसे कम आएगा अभी इस दोनों में वो रनिंग होगा, और जो सबसे ज़्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा। जिस पॉइंट से सबसे ज़्यादा आएगा, जैसे इससे इस पॉइंट से यहाँ पर 6 आ रहा है और इस पॉइंट से यहाँ 4 आ रहा है, यानी जिससे ज़्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग हो जाएगा, जिससे ज़्यादा आ रहा है 6 इधर, इससे मेरा 4 है, 6 है, आठ है। तो जिससे ज़्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा, ये मेरा कम है इधर रनिंग होगा, 6 इधर कम आ रहा है, इधर रनिंग होगा, इधर 8 स्टार्टिंग होगा। नहीं समझाऊंगे तो फिर से एक बार बता देते हैं। एक किसी भी पॉइंट से रखेंगे, सबका बीच का हम लिख लेंगे कितना कितना आ रहा है। जो सबसे कम आएगा पहले वो हमारा कॉमन का पॉइंट, जिस पॉइंट से सबसे कम आएगा वो कॉमन का पॉइंट हो गया। उसके बाद जो उससे कम आएगा, उसके बाद जो सेकंड आएगा वो हो गया रनिंग, और जो थर्ड सबसे ज़्यादा आएगा वो हो गया स्टार्टिंग। ठीक है फ्रेंड।